गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में, जो इसके पहले पिछली क्लास हुई थी, उसमें हमने आवेदन पत्र के बारे में जाना था कि आवेदन पत्र का आपने फॉर्मेट देखा था कि हम आवेदन पत्र को कैसे लिख सकते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, क्या नियम होते हैं आवेदन पत्र को बनाने के अर्थात लिखने के। तो उस दिन आपने देखा था कि हम 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हमने लिखा था, किसको? प्राचार्य जी को, जो आपके सामने आप देख रहे हैं कि हमने एक फॉर्मेट बनाया था लास्ट क्लास में, और उसमें हमने फिलिंग की थी, मतलब उसमें हमने बताया था आपको कि कहाँ पे हमें कौन सी एंट्रीज फिल करनी है, हमें कहाँ पर कौन सा शब्द लिखना है, कहाँ पे हमें संबोधन करना है, कहाँ हमें संस्था का नाम लिखना है, कहाँ हमें अपने शहर का नाम लिखना है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, कहाँ आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना परिचय देना है। इस तरह से आपने जाना था कि हम आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे। अब आपके सामने जो हम आवेदन पत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 तरह से हम बताएंगे आज आपको। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं कि जो आवेदन पत्र लिखा हुआ है ये प्राचार्य जी को है, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो जो तरीका होता है लिखने का वो हमेशा एक सा होता है, सिर्फ हम चीज़ें कहीं कहीं कुछ शब्द में हेरा फेरी कर देते हैं, कुछ शब्द हम बदल देते हैं। बदल देते हैं कैसे कि हम प्रश्न के अनुसार यदि आप शब्दों को बदलेंगे तो आपको हमेशा आवेदन पत्र लिखने का तरीका आ जाएगा, बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं आवेदन पत्र जो आपके सामने यहाँ है कि इसमें प्राचार्य जी को आवेदन पत्र लिखा है। मान लीजिए यदि आपको इस आवेदन पत्र में कक्षा शिक्षिका या कक्षा शिक्षक, मतलब क्लास टीचर को आपको लिखना हो तो क्या करेंगे आप, क्या चेंजेस इसमें लाएंगे? तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमें करना क्या है, सिर्फ जहाँ श्रीमान लिखा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर श्रीमान प्राचार्य जी लिखा है, आप क्या कर देंगे, श्रीमान कक्षा शिक्षक जी, ठीक है। फिर आपने मान लीजिए लिखा यहाँ पे कक्षा शिक्षिका है, क्लास टीचर आपकी जो है वो मैम है, मैडम है, तो आप क्या करेंगे उस समय, आप श्रीमती कक्षा शिक्षिका जी कर देंगे, उसको उसमें आप चेंज कर देंगे। मान लीजिए कक्षा शिक्षिका जो है वो आपकी अविवाहित है तो आप उनमें श्रीमती नहीं लगाएंगे, फिर आप सुश्री लगाएंगे। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जब हम किसी अविवाहित महिला के लिए संबोधित करते हैं तो हम सुश्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप ये आवेदन पत्र यहाँ देख रहे हैं, ये प्राचार्य जी को लिखा गया है, इसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम कक्षा शिक्षिका वाला भी एक बार देखेंगे। जैसे देखिए आप सामने लिखा है सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी, एपी नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला, आपकी स्कूल का नाम लिखा है यहाँ पर, आपकी शाला का नाम लिखा है, सदर जबलपुर मध्य प्रदेश। विषय क्या था आपका, 5 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन। विषय कहाँ से आया, आपके प्रश्न से आया। प्रश्न में क्या लिखा है, 5 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र प्राचार्य जी को, ठीक है। तो जब भी आपको आवेदन पत्र लिखने को आता है सबसे पहले आपको अपने प्रश्न को, दिए गए प्रश्न को अच्छे से 2 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको रीज़न देखना है, रीज़न क्या है आपका, कारण क्या है आपके आवेदन पत्र लिखने का। तो दुर्घटना, मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो आप दुर्घटना हो जाने के कारण आपको छुट्टी चाहिए, कितने दिन की, 5 दिन की छुट्टी। विषय, 5 दिन की छुट्टी है तो आवेदन पत्र। महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरा नाम, अब आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मैं आपके विद्यालय में कक्षा खालिस्तान का छात्र हूँ। मतलब खालिस्तान यहाँ हमने क्यों छोड़ा है, ताकि आप यहाँ पे अपनी कक्षा लिखें, आप जिस कक्षा के हैं आपको उस कक्षा को यहाँ पर लिखना है। और ये याद रखेंगे कि यहाँ हम यदि हम छात्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिपेंड योर जेंडर कि आप छात्र हैं या छात्रा हैं, वहाँ पर उस शब्द को सही लिखेंगे, ठीक है। यदि आप छात्रा हैं तो आप छात्रा लिखेंगे, यदि आप छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे। मैं कल बाज़ार से घर आ रहा था तभी मेरे साथ छोटी सी दुर्घटना हो गई जिससे मेरे पाँव में चोट लग गई है, जिससे मुझे चलने फिरने में परेशानी हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 5 दिन की छुट्टी दिनांक डैश से डैश, मतलब यहाँ पे आपको दिनांक डालनी है कि आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए, 5 दिन की छुट्टी है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, और नाम, और आपको अपने कक्षा डालनी है। तो ये आपका सिर्फ एक फॉर्मेट है कि आपको कैसे लिखना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे कक्षा शिक्षक आता है, शिक्षिका आती है, तो आपको कैसे चेंज करना है। यहाँ कक्षा शिक्षिका आएगी तो आपको श्रीमती डालना है, यहाँ महोदया डालना है। बाकी आपका जो आवेदन पत्र है वो सेम रहेगा। आपको अपना संबोधन याद रखना है कि आप छात्र हैं या छात्रा हैं, उस तरह से आप इस आवेदन पत्र को लिखेंगे। देखिए वही आवेदन पत्र है ये। अब इसमें हमने क्या किया है, जो आपने अभी आवेदन पत्र देखा था इसके पहले वो प्राचार्य जी को था, वही आवेदन पत्र हमने
इसमें क्या कर दिया आप, श्रीमती कक्षा शिक्षिका। मैंने आज आपको बताया था कि आपको करना क्या है कि कक्षा शिक्षिका जी के नाम पे इस पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें बताई गई हैं, श्रीमती कक्षा शिक्षिका जी या सुश्री। अब वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि जो आपके टीचर हैं, मान लीजिए कोई आपकी जो लेडी टीचर हैं, आपकी मैम हैं, यदि वो विवाहित है तो हम श्रीमती लगाएंगे, अन्यथा हम क्या लगाएंगे, सुश्री का संबोधन उनको देंगे। एपी नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला अपने स्कूल का नाम डाला, सदर जबलपुर मध्य प्रदेश, विषय 5 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, महोदया जी। अब यहाँ पे क्या था, वहाँ महोदय जी, यहाँ पे क्या है, महोदया जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरा नाम, आपने अपना नाम डाला, मैं आपके विद्यालय में कक्षा खालिस्थान का छात्र हूँ, आपने कक्षा डाली, मैं कल बाज़ार से घर आ रहा था, तभी मेरे साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई जिससे मेरे पाँव में चोट लग गई है, जिससे मुझे चलने फिरने में परेशानी हो रही है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 5 दिन की छुट्टी प्रदान करने का की कृपा करें, प्रदान करने का कष्ट करें। एक ही बात है, आप कोई भी एक लाइन, एक भी आप वाक्य लिख सकते हैं। सा धन्यवाद आपके, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम और कक्षा। ठीक है, तो ये आपने देखे दो आवेदन पत्र लिखे हमने आज, एक आपने प्राचार्य जी को लिखा, एक आपने कक्षा शिक्षिका जी को लिखा। इन्हें तुलना करनी है आपको कि किसमें हमने क्या चेंजेस किए। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था, हमने सिर्फ संबोधन को चेंज किया, महोदया को चेंज किया, और जहाँ ये याद रखेंगे आप छात्रों छात्रा कहाँ आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको आवेदन पत्र इसमें और बताती हूँ या कि किस तरह से लिखना है आपको। यहाँ 5 दिन की छुट्टी तो आप उसको 3 दिन की कर सकते हैं, 7 दिन की कर सकते हैं, इस तरह से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। इसको आप कॉपी में नोट कीजिए और इसे याद कीजिए, ये हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है।